Whether that is the third part of God to praise. अब चौथी फतह डालते जब तमाम अहम लोगों को देखने की कोशिश की जो उसकी बेटी मरियम अब्दुल की बेटी के लिए सूटेबल होते तो वहां पर जब सब लोग फाउंड सूटेबल कुछ लड़के उसे मुनासिब भी लगे बट द ट्रबल वाज कि मसला ये था एवरीवन इन द कम्युनिटी न्यू मरियम अब्दुल वेल एंड उस इलाके में तमाम लोग मरियम अब्दुल को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे चौधरी फतेह दार ट्राई टू नेगोशिएट चौधरी फतेह दार ने मुजाकरात करने की कोशिश की with a couple of elders, दो तीन बड़े लोगों से बुजुर्गों से but all of them drew back, सारे पीछे हट गए as if bees had suddenly sprung from a bed of flowers, जैसे फूलों की क्यारी से फूलों के बिस्तर से शहद की मक्खियों ने उन्हें डंग मारा हर कोई मुर्गे सब गेट से अवॉइड करता था अल्टीमेटली नतीजे पर हम मुर्गे अबुल एंड जेबुल सास प्रेयर गुड फ्रूट आखिरकार मुल्क अबुल और जेबुल सास की बेगम की दुआएं सब बराबर साबित हुई अ यंग मैन फ्रॉम द विलेज वो एक गॉन अवे गांव का एक नौजवान आदमी जो बाहर चला गया था केम बैक टू वापस आ गया एंड ओपन अ स्मॉल क्लॉथ शॉप और उसने छोटी कपड़े की दुकान खोली ही कॉल्ड हिमसेल्फ शमीम अहमद और उसने अपना आपका तारुफ किया कि मेरा नाम शमीम अहमद है ही वाज द ओनली सन ऑफ अ हाफिज वो हाफिज का अकेला बेटा था आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर और उसके वालिद साहब जो हाफिज कुरान थे और उसकी मौत के बाद खुदा यार वालिद का नाम है ट्राई टू फॉलो हिज फादर्स फुटस्टेप उसने अपने बाप की कनेक्शन के दम पे चलने की कोशिश की बाकी मतलब बहुत सी चीजें वो 16 साल का हुआ ही वेंट आउट टू द सिटी वो शहर चला गया लेविंग हिज ओल्ड मदर बिहाइंड अपनी बूढ़ी माँ को गांव में छोड़ के पीछे लेटर दे लर्न दैट ही हैड वर्क इन द हाउस ऑफ अ हेड क्लर्क बाद में पता लगा कि वो एक हेड क्लर्क के घर में काम करता था आफ्टर विच ही हैड मैनेज्ड टू ओपन अ स्मॉल शॉप उसके बाद वो छोटी सी दुकान खोलने के काबिल हुआ उन फुटपाथ पर वे बिगे सेलिंग कट पीसेस जहां वो कपड़ों के टुकड़े बेचा करता था कट पीसेस बेचा करता था आफ्टर सेविंग सम मनी कुछ पैसे बचाने के बाद एंड गेनिंग एक्सपीरियंस तजुर्बा हासिल करने के बाद इन द बिजनेस ही रिटर्न टू द विलेज और गांव में वापस आ गया ही देन बैक टू द अबुल टू इनॉग्रेट उसने मुर्गे अबुल से दरख्वास्त की कि इनॉग्रेट करो इफ्तिताह करो and bless his shop by becoming his first customer. उसकी दुकान का इफ्तिताह करो और उसके पहले ग्राहक बनकर उसे अपनी दुआओं से नवाजो. That day was the in order not to disappoint his erstwhile disciple और अपने पुराने तालिब इल्म को साफ का तालिब इल्म के बच्चे को मायूस ना करते हुए and his aging mother Mawlvi Abul took a momentous decision. Mawlvi Abul ने एक तारीखी फैसला किया एक जबरदस्त फैसला किया इवेंट में भाई अपनी बीवी के पास जैसे शमीम अहमद वांट्स मी टू इनॉग्रेट हिज शॉप बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर शमीम अहमद ये चाहता है कि मैं उसका पहला ग्राहक बनकर दुकान का खर्चा करूं इफ यू एग्री अगर आप मुत्तफिक हैं लेट अस बाय अ पीस ऑफ क्लॉथ आओ एक कपड़े का टुकड़ा खरीदते हैं एक सूट का सूट खरीदते हैं फॉर मैरून सूट एक कपड़े का टुकड़ा मैरून के सूट के लिए खरीदते हैं इन एनी केस विल नीड इट फॉर आवर डाउरी आखिरकार किसी भी सूरत में उसके जहेज के लिए इसकी जरूरत होगी मगर परचेज इन द प्रेजेंस ऑफ द एंटायर विलेज में प्रेजेंट और मेरी खरीदारी पूरे गांव के सामने में हो सकता है लोगों को मुतासिर कर दे मे अल्लाह ब्लेस यू अल्लाह तुम पर रहमत करे शी ब्लेटेड आउट उसने फौरन जवाब दिया इमीडिएटली टुक आउट द की और फौरन उसने चाबी निकाली जहां इन अ थ्रेड अराउंड हर नेक जो धागे इसकी मदद से उसकी गर्दन पे लटकी हुई थी शी ओपन द ट्रंक उसने पेटी को खोला टुक आउट इन टिन बॉक्स तांबे के बर्तन बॉक्स निकाले एंड प्लेस इट बिफोर तांबे का बर्तन निकाला जिसमें पैसे जमा थे और उसे मौलवी अपने शोहर के सामने पेश कर दिया एज ही ओपन एंड यूज ने खोला हर आई सेरेली बिकेम ब्राइट उसकी आंखें चमक उठी एंड विद अनशेड टीयर्स बिन बहाए आंसुओं से जस्ट देन मेरे वाले उसी ने मैं मैरम के अंदर आ गई देन शी टर्न बैक टू दिस माइल फिर वो मुस्कुराते हुए वापस चली गई ऑलमोस्ट एज इफ शी वाज थिंकिंग ऐसा जैसे वो सोच रही हो आई नो द सीक्रेट ऑफ अब्बा रेविनर मुझे राज पता लग गया है अब की जल्दी का टू इनॉग्रेट शमीम अहमद शॉप क्यों वो शमीम अहमद की दुकान का इफ्तिताह करना चाहते हैं
बेटी बाप की और माँ की जो भी कार्रवाई जारी थी पैसे जमा करने की निकाल ली उसे आगा हो गया था। मौलवी काउंटेड हिज सेविंग्स, मौलवी अबुल ने अपनी बचतों को जमा किया, देयर वर 43 रुपीस, 43 रुपए बने, पुट द मनी इनटू हिज पॉकेट, उसने पैसे अपनी जेब में डाले, स्टूड अप स्लोली, आईसी से उठा, एग्जामिनर बोला, इफ समहाउ मैरम कैन बी मैरिड, अगर किस तरीके से मैरम की शादी हो जाए, ऑल माय वरीज विल डिसअपीयर, मेरी सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी, आई विल फील एज लाइट एज फेदर, और मैं एक पर की तरह हल्का महसूस करूंगा, एट लीस्ट फॉर सम इयर्स टू कम, कम से कम कुछ सालों के लिए तो मुझे सहूलत मिल जाएगी। When Maulvi Abul reached Shami Mehmed's new shop, जब Maulvi Abul Shami Mehmed की नई दुकान तक पहुंचा, found a crowd there already assembled, उसने देखा कई हजूम पहले ही वहां पर जमा हो चुका है, जो वार की प्रोसीडिंग मामला को देखने के लिए, क्योंकि दुकान का इफ्तिताह हो रहा था, इसलिए गांव के और भी बहुत सारे लोग जमा हो गए ये देखने के लिए कि क्या मामला है, कैसे इफ्तिताह होता है। उस रंगीन नुमाइश के कपड़ों की जो दुकान में लगी हुई थी, वो हजरत वाली नजरों से देख रही थी, क्योंकि उन्होंने खरीदने की, कपड़े खरीदने की इस्तेआत नहीं थी। अपनी ताकतवर आवाज में उसने एक पिंक कलर का टुकड़ा लिया विद अ ब्यूटीफुल फ्लावर, जिसके ऊपर बड़े बड़े फूल बने हुए थे, नेस्टिंग अमंग येलो डॉट्स, और उसके दरमियान में येलो डॉट्स थी, यानी कि उसने रेडिश से कलर का पिंक कलर का एक कपड़ा लिया जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत फूलों के नुक्ते बने हुए थे। I need a piece from this for a young lady suit, he said proudly, मैं इसमें से एक टुकड़ा खरीदना चाहता हूँ एक नौजवान लड़की के लिबास के लिए, उसने जोरदार आवाज में कहा। खुशी से फूले ना समाते हुए शमीम अहमद पिकड अप यार्ड से, शमीम अहमद ने अपना गज इन कपड़े मापने के लिए जो गज इस्तेमाल होता उठाया, अटक बोला, इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम पर, साइलेंटली अल्लाह के नाम मुजन करते हुए खामोशी मैया 7 यार्ड, उसे 7 गज कपड़ा काटा, पिक अप द लार्ज पेयर ऑफ सीजर, एक बहुत बड़ा बड़ी बड़ी कैंची उठाई एंड कट द क्लॉथ, और कपड़े को काट दिया। जैसे वो तोहफा दे रहा हो। हाउ मच शुड आई पे, इसके कितने पैसे मुझे देने हैं, मौलवी अबुल मौलवी अबुल ने पूछा। आउट ऑफ रिस्पेक्ट एहतराम से शबीर अहमद हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, एहतराम को मुंह से खाते रखते हुए वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। रब इस पान अपने हथेलियों को उसने रखना कलियर इस तरह अपने गले को साफ किया एंड रिप्लाई जवाब दिया, एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर यार्ड, 6 रुपए गज के हिसाब से इट विल बी 42 रुपीज सर, ये तकरीबन 42 रुपए बनते हैं जनाब। वर्ड्स फेल लाइक अ बॉम्ब शेल ऑन मौलवी अबुल, उसके लफ्ज एक बम के गोले की तरह उसके ऊपर गिरे। Suddenly felt as if bundle of clothes from various shelves had been falling over him. उसे ऐसा लगा जैसे bundle कपड़ों के उसके ऊपर गिर रहे हैं। Out of 43 rupees he kept a rupee and quickly paid the rest to Shami Mehmed. 43 रुपए में से उसने 42 रुपए उसे दिए, जल्दी से Shami Mehmed को पे किए। अब यहाँ तक हमने ये चैप्टर को खत्म करते हैं, इस चैप्टर का एक हिस्सा रह गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। यहाँ पर हमें पता लगा कि मौलवी जो अबुल था उसने शमीम अहमद को पहला दाम बनकर एक तो उसकी हमदर्दियाँ भी हासिल की और उसने
पैसे उसके पास है। यहाँ तक चैप्टर खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इंशाल्लाह। गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग केयरफुली। प्रोवाइड मी विद योर फीडबैक। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।